मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीदें की थी। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पूरी तरह से सोच नहीं कर रहा था। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में लगाओ, नहीं तो समझती है ना। बॉलीवुड की मेकर्स को किसकी याद आ रही है? कितने रीमेक और सीक्वल फिल्में पाइपलाइन में हैं? बॉलीवुड पर इन दिनों सीक्वल और रीमेक का भूत सवार है। 70 और 80 के दशक के बाद अब फिल्म कलाकारों की नज़र 90 के दशक की हिट फिल्मों पर है। 90 के दशक की कई हिट फिल्मों के सीक्वल और रीमेक घोषित हो चुके हैं। एक दौर में बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों की नकल करने में लगा हुआ था, अब वक्त बदल गया है। बॉलीवुड मूवी मेकर्स को इन दिनों हिंदी में बनी और हिट रही फिल्मों की याद आ रही है। 70 और 80 के बाद 90 के दशक की कई फिल्मों की रीमेक और सीक्वल फिल्में बनाई जा रही हैं। अब बारी है 90 के दशक की, तो सबसे पहले तो हम 80s की बात करते हैं। I mean 80s की मूवी विधाता की बात करते हैं, जिसका सीक्वल ला रही है शोमैन ऑफ बॉलीवुड, यानी कि सुभाष घई। जी हाँ दोस्तों, मूवी अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है, कास्टिंग अभी बाकी है, लेकिन अब जब घई ने 80s में वापस से कदम रखा है और विधाता 2 का अनाउंसमेंट किया है, वैसे ही घई साहब ने 90s की फिल्मों को भी लाने का ठान लिया है। तो जानना चाहेंगे कि वो कौन सी फिल्में हैं, आइए बताती हूँ। रीमेक बनाने की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम फिल्म कलाकार सुभाष घई का है। सुभाष घई अपनी 2 फिल्मों हीरो और खलनायक को नए तरीके से पेश करने जा रहे हैं। इन दोनों ही फिल्मों की रीमेक मूवी बनेगी। सुभाष घई इसमें से एक मूवी की स्टार कास्ट को भी घोषित कर चुके हैं। हीरो मूवी के रीमेक में वो सुनील शेट्टी की बेटी और जैकी श्रॉफ के बेटे को लॉन्च करेंगे। खलनायक की रीमेक में कौन होगा ये बात अभी साफ नहीं हुआ है। सनी देओल की हिट मूवी घायल का सीक्वल मूवी भी घायल रिटर्न्स के नाम से बन रही है। सनी देओल का कहना है कि मूवी घायल रिटर्न्स की कहानी इसके पहले संस्करण के अंत से शुरू होगी। ये मूवी अगले साल जून में प्रदर्शित की जाएगी। राजकुमार संतोषी निर्देशित घायल में सनी की नायिका मीनाक्षी थी। ये मूवी सुपरहिट रही थी। सलमान खान, आमिर खान, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर अभिनीत मूवी अंदाज अपना अपना हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय हास्य फिल्मों में से एक है। अब राजकुमार संतोषी इस मूवी का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। ये मूवी इस साल के अंत तक फ्लोर पर आ जाने की चांसेस है। अब देखते हैं कि कौन सी मूवी पहले आती है और आप इनमें से किस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।